तो इसको हम कट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आपके साथ आलू और पोहे से बने एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जिसके लिए हमने लिया है एक प्याज, इस तरह से कट कर लिया है, एक बड़े साइज का आलू, बॉयल आलू, 2 से 3 चम्मच मक्के का आटा, 1 चम्मच जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और पिसा हुआ धनिया और पोहा। पोहा अच्छी तरह से भीग गया है, पानी निकाल लिया है, तो इन सबको हमें मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो हमने इसमें डाला है 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। इनको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से हमें ये मिक्स कर लेना है, इस तरह से। तो मैंने इस तरह से इसको चौकोर आकार दिया है, तो इस तरह से सारे बना लेते हैं। थोड़ा सा घी लगा देंगे। गैस मीडियम रखेंगे। मीडियम गैस पर इसे सिकने देंगे। तो हमारा आलू और पोहे का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। इसी तरह से हमें इसे सेकना है। तो हमारा आलू और पोहे से बना हुआ नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।